पूरा पार्किंग एरिया दिख रहा है, ये है होटल महाराजा का। आपको सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि योगी ने कहा है। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कल चलो मैं करता हूँ सोचूंगा आपका दोस्त योगी फिर से आ चुका है नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैं हूँ अभी नैनीताल पे, और नैनीताल पे जो है मैंने एक होटल बुक करा था, और होटल जो है मैंने ऑनलाइन बुक करा था, और मैं पहुंच चुका हूँ। होटल का नाम है होटल महाराजा। तो जैसा कि इस रूम का मैं आपको लोग को प्राइस भी बताऊंगा और कितनी डिस्टेंस में वो भी बताऊंगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले जो है मैं आप लोग को रूम टूर दे देता हूँ। रूम टूर देने से पहले सबसे बेस्ट चीज़ देखिए, पीछे लेक दिख रहा है मुझे फुल। आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा मिरर के उससे, बट एक बार मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा देखिए यानी लेक दिख रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बस 500 मीटर के डिस्टेंस में ये होटल है। पहले मैं आप लोग को देता हूँ रूम टूर, रूम में क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद जो है रूम का प्राइस भी दिखाऊंगा। और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉअर है, यहाँ पे आपको कवर्ड मिल जाएगी, तो आपको कुछ इस टाइप से, और प्लस यहाँ पे ब्लैंकेट भी मिल जाएगा ब्लैंकेट के साथ। जस्ट ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे कैटल मिल जाएगी, कैटल के साथ यहाँ पे टॉवल वगैरह रखा है, टॉवल के साथ यहाँ पे शैम्पू वगैरह रखा गया है, और यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाएगा, और देखिए वॉशरूम यहाँ पे अटैच मिलेगा। और वॉशरूम में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको सिंक मिल जाएगा, ये मिरर आ गया, यहाँ क्या, अच्छा गीज़र। आप सोच रहे होंगे कि गीज़र क्यों नहीं है, यहाँ पे जो है रनिंग हॉट वाटर आता है, यहाँ पे सोलर पैनल वाले लगे हुए हैं जैसा कि मुझे बता रहे थे रिसेप्शन में। उसके बाद जो है मैं आपको रिसेप्शन में भी आपको बात करा दूंगा इसके बाद इनके पास कौन कौन से प्राइस में रूम्स हैं। और पीछे देखेंगे आप यहाँ पे पीछे वॉल, तो काफ़ी मतलब एक अच्छा लुक आ रहा है, महाराजा वाला ही आ रहा है। एक इंटीरियर बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बाकी आपको यहाँ पे सोफ़ा कम बेड भी मिल जाएगा, अगर आप तीन लोग आते हैं तो आराम से रह सकते हैं, दो यहाँ पे रह सकते हैं एक यहाँ पे रह सकते हैं, वैसे दो जने यहाँ पे भी आ जाएंगे इजीली। और व्यू कुछ इस टाइप से, और एक हाँ टीवी भी है, तो यहाँ पे आपको टीवी मिल जाएगा प्लस, वैसे इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप नैनीताल में हैं। बाकी बाहर ले चलते हैं, बाहर का बालकनी कैसी है ये देखिए, ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं तो इसीलिए आ गया, मुझे लगा कि यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है। थोड़ी बहुत अपडेट है कि कल तक क्या होता स्नोफॉल हो जाए, तो कुछ इस टाइप का वेदर है। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, तो आज है 2nd of March। और यहाँ से आप जो पहाड़ी दिख रही है इसके जस्ट नीचे देखेंगे, ये है यहाँ से हल्द्वानी काठगोदाम। जैसे आप लोग दिल्ली से आते हैं तो जस्ट यहीं से यहाँ पे उतरते हैं, ये स्टेशन है यहाँ पे आप रेड कलर का देख रहे हैं। यहाँ से अच्छी बात है कि यहाँ से आप लोगों को पिक कर लेते हैं, होटल वाले जो है अपनी गाड़ी भेज देते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट आ जाइए। अदरवाइज़ आप लोग की गाड़ी है तो गाड़ी जो है आपकी यहाँ पर पार्किंग भी है इनकी, तो पार्किंग में लगा दीजिए इनकी। आपको जो इनके रिसेप्शन में ले चलते हैं वहाँ पे, तो हमारी क्वायरीज हैं सारी जो है आपके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो यहाँ पे जो है अपने होटल के बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताइए। हाँ, होटल हमारा जू रोड पे है, विच इज़ ओनली 300 मीटर्स फ्रॉम द मॉल रोड, यू कैन ड्राइव अप टू द होटल। और हमारे पास करीब 20 गाड़ी की पार्किंग है, अच्छा स्पेशियस पार्किंग है। उसके बाद भी असिस्टेंस हम देते हैं, अपना ड्राइवर वगैरह देते हैं, कोई किसी को परेशानी ना हो। और एक सुविधा और हमारी, जैसे हमारे पास कोई गेस्ट बार बार नहीं ले जाना चाहते, तो मॉल रोड में पार्किंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, 5 मिनट्स की भी नहीं है। okay. तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पार्क करिए, घूमिए नैनीताल, नीचे आइए, इंडिया होटल हमारा पॉइंट है पिकअप का, वहाँ से हम पिकअप ले लेते हैं अपने होटल तक। फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है रात के 9 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर। तो जैसे कि बस स्टैंड आ गए और यहाँ पे चर्च है, ये नैनीताल की मॉल रोड, और इस रूट को आपको फॉलो करते हुए जाना है ऊपर। और यहाँ पे देखिए इंडिया होटल है और अलका होटल आपको दिख जाएगा, और ये जू वाला रोड है, सीधा आप ऊपर जाते रहेंगे। जैसे आप ऊपर को आएंगे तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है मोस्टली बहुत सारे लोगों को, तो आपको जो है ऊपर वाली रोड में नहीं जाना है, नीचे वाली रोड को फॉलो करते हुए जाना है। बस सामने थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको होटल महाराजा भी दिख जाएगा, और जू वाला रास्ता भी यही है आपके 9 बजे तक। और कोई गैस जैसे सुबह आ रहा है बस से, हाँ, या ट्रेन से, वो बस स्टैंड नैनीताल में उतरता है, नैनीताल में हमारा बस स्टैंड है, तो अगर वहाँ से हमें कॉल करेगा तो हम उसको पिकअप कर लेते हैं सुबह 8 बजे से। यहाँ से बस स्टैंड कितना और कितना डिस्टेंस होगा? हाफ किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, हाफ किलोमीटर से ज्यादा है, किलोमीटर से ज्यादा है।
उसके बाद जो है कि जैसे कस्टमर घूम रहा है तो हमें पिकअप के लिए कॉल करेगा, हम उसके लिए गाड़ी जीप हमारी जाती है, गर्ल्स भी जाती है। नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर पैदल जाता है नीचे। अच्छा। पास में जू है, जू विजिट कर सकता है। जू यहाँ से ऑलमोस्ट 300 मीटर मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस में है, थोड़ा चढ़ाई है, उसके लिए आदमी वॉक करके आराम से जा सकता है, इसमें कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे उतरते ही सीधे बोटिंग मिल जाएगा आपको, मॉल रोड का शॉपिंग वाला मिल जाएगा, नीचे चर्च है, चर्च से सीधे ऊपर आइए, चर्च भी विजिट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मॉल रोड शुरू हो जाता है, मॉल रोड से आप मल्लिताल नैना देवी टेम्पल, पूरा जो पैरे फेरी है नैनीताल के, तो सेंटर में हम हैं इस समय जू रोड। उसके अलावा जो 24 रूम्स हैं उसमें काफ़ी वैरायटी है, डबल बेड इकोनॉमी है, स्टैंडर्ड है, लेक फेसिंग है, सुपर डिलक्स है, 3 बेड है और महाराजा स्वीट है, 4 बेड है। और प्राइस, प्राइस मतलब अप एंड डाउन होता रहता होगा? हाँ, प्राइस आप लोग 1800-2000 से स्टार्टिंग हो जाता है। हाँ। और सीजन में थोड़ा सा बढ़ता है, और ऑफ सीजन में आपको 50-40% डिस्काउंट मिलेगा हमेशा। अगर आप हमारी वेबसाइट से करते हैं MaharajaHotelNainital.com या HotelMaharajaNainital.com, दोनों पे आपको जाएंगे, बुक ऑनलाइन पे जाइए, आप उस पर डालिए अपनी रेट्स, आपको हाथों हाथ इंस्टेंट उस समय डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको हमें बोलने की भी जरूरत नहीं, आप सीधे बात कर सकते हैं। अगर कॉल करना चाहे तो आप हमारे लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0594223521 या 9410173300। उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा सारे सोशल मीडिया में आप अवेलेबल रहते हैं हमेशा 24 आवर्स। आपको करीबन आपको फोन वगैरह में कोई ना कोई असिस्टेंट मिल जाएगी। वैसे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमारा ऑफिस में एक ना एक यहाँ पर होता है मैनेजर। जैसे इस बार तो हम जैसे अपनी कार नहीं लाए हैं, जैसे हमें यहाँ नैनीताल भीमताल वगैरह घूमना है, तो आप टैक्सी वगैरह? हाँ, यहाँ से आपको होटल में आपको टैक्सी सारी सर्विस मिल जाएगी, छोटी बड़ी गाड़ी सब मिलती है, स्कूटी मिलती है, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आपको चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा। जो भी आपका जो भी टैक्सी वाला होगा आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं या मैनेजर से बात कर सकते हैं। अच्छा। तो आपको असिस्ट कर, मतलब सब कुछ यहाँ से अवेलेबल हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके, और बाकी मैं देख रहा था आपका रेस्टोरेंट वगैरह भी है कहाँ? हाँ, हमारा एक ग्रोज रूम रेस्टो कैफे करके है। अच्छा। हमारे पास उसमें 28 सीटर्स रेस्टोरेंट है जिसमें कैफे वगैरह बना हुआ है और रूम सर्विस भी है। आप रूम में कहाँ पे होने? ग्राउंड फ्लोर में? कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर में। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर में। तो मतलब कितने टाइम तक खुला रहता है? सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक ऑलमोस्ट। अच्छा, थैंक यू सर, वेलकम। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ले चलता हूँ होटल महाराजा के रेस्टोरेंट में। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आप लोग अपने ग्रुप्स के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, पार्टनर के साथ आते हैं, तो यहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेन्यू, हाँ, यही ढूंढ रहा था मैं। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में।